हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लेसन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स 2019 का पार्ट वन लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं टॉप 20 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, पुलिस, यूपीएससी और जितने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आप देते हो उनमें अक्सर पूछे ही जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट्स बना रहता है कि क्या है क्या नहीं है उसका आंसर्स। तो आज हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पिक्चर के माध्यम में थोड़ा क्लियर करके चलेंगे, जिससे कि हमें उनके जो आंसर्स हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिहार, न कि कोई दूसरा कोई स्टेट, क्योंकि मैं बिहार से रिलेटेड मैंने कुछ नीचे उनका जो भी मुख्यमंत्री है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों को ₹400 मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि वृद्धजन पेंशन योजना किस स्टेट में शुरू की गई है, तो आपका आंसर बिहार होना चाहिए। अगर वो उम्र भी पूछ सकता है कि इसके लाभार्थी कितने उम्र तक के व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा, तो आपके ऑप्शंस में भी आ सकते हैं कितने साल का, तो आप 60 ईयर्स लगाइए, ठीक है ना। और वृद्धजनों को कितने रुपए मासिक पेंशन योजना, तो ₹400। अगर उसमें अगर मासिक पेंशन का कुछ पूछ लेता है कि कितने रुपए उनको मासिक पेंशन दी जाएगी, तो आप लगा सकते हो ₹400 आपको ऑप्शन लगाना है। अगर आपको उम्र पूछता है तो 60 और आपको स्टेट पूछता है तो बिहार। तो चलिए नेक्स्ट, साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है? अब देखो, हिंदी के लिए चुना है और एक बंगला के लिए। तो आप उसे अगर बांग्ला पूछता है तो उसकी लेखिका है नवनीता देवसेन। अगर आपको हिंदी के लिए पूछता है तो आप गोविंद शर्मा लगाइएगा। आप अगर बांग्ला के लिए पूछा जाता है तो नवनीता देवसेन लगाइएगा। और मैंने जो पिक्चर दिया हुआ है नीचे साहित्य अकादमी पुरस्कार का, वो इस तरीके का दिखता है पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये सामंत गोयल है, मैंने पिक्चर में उनका दिया हुआ पिक्चर दिया हुआ है, तो इनका नाम सामंत गोयल है। तो इनको हाल ही में एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट, किस आईटी कंपनी ने हाल ही में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? तो आपके सामने ऑप्शन दे सकते हैं वो, ऐसे कि ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो आप किसी को लगाएगा, सिर्फ आप फेसबुक याद कीजिएगा और फेसबुक का ही आंसर लगाना आपको। और फेसबुक ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है अभी, तो देखते हैं ये कितना सक्सेस होती है आगे। तो आपका आंसर फेसबुक ही होना चाहिए अगर लिब्रा नामक करंट क्रिप्टो करेंसी के पूछता है क्या किस आईटी कंपनी ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, तो आपका आंसर फेसबुक होना चाहिए। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है सुमन राव और ये उदयपुर राजस्थान की रहने वाली है। तो ये जो मैंने पिक्चर में दिया हुआ है उनका फोटो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इनको, फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब मिला हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम मुंबई में 15 जून 2019 को आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2019 का जो आयोजित हुआ था वो किस स्टेडियम हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम मुंबई। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये हाल ही में निर्मला सीतारमण है, इनको हाल ही में वित्त मंत्री बनाया गया है, तो आपका आंसर निर्मला सीतारमण ही होना चाहिए।
आपको ऑप्शन कहीं भी दे सकते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में आपको सिर्फ निर्मला सीतारमण ही करेक्ट करना है। क्वेश्चन सात, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया है, जे अजय डोवाल हैं और इनको हाल ही में NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर अजीत डोवाल होना चाहिए। क्वेश्चन एट, कौन व्यक्ति हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री बनाए गए आंध्र प्रदेश के, जिसको शॉर्ट में आप APB लिख कहीं कहीं देखा होगा आपने लिखा हुआ, तो इनका नाम है जगमोहन रेड्डी। इनको हाल ही में मुख्यमंत्री बनाया गया आंध्र प्रदेश का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, हाल ही में कौन IAF इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनी है? तो इनका नाम है भावना कंठ। इनको IAF इंडियन एयर फोर्स की महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनी है और ये पहली महिला फाइटर पायलट है, तो याद रखना भावना कंठ। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने हाल ही में ओडिशा के लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो आपको बता दूं, ये एक नवीन पटनायक जी हैं जो कि मैंने पिक्चर में उनको दिया हुआ है, तो इन्होंने लगातार पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये क्वेश्चन आप आने को है बिल्कुल हिमाचल को, कि ये आ ही सकता है क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो नवीन पटनायक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन 11, हाल ही में किसे मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? हाँ, प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किसे मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में कि मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है, तो ये है जोखा अल्हारथी। तो इनको इनके बारे में बता दूं, इन्होंने जो नोवेल है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज, इसके लिए इनको मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सिम्पेक्स 2019 समुद्री युद्ध, जिसको हम इंग्लिश में नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं, अभ्यास शुरू किया है? तो ये किस देश के साथ किया है भारत ने? सिंगापुर। और ये कहाँ पे किया गया है? इन द साउथ चाइना सी में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी अभ्यास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो आप लगा इसका आंसर होना चाहिए इन द साउथ चाइना सी में। तो इसमें भारत और उसकी सिंगापुर की जो नेवी ने आपस में मिलके अभ्यास को किया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस टीम ने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? तो आप इसका आंसर लगाइएगा इंग्लैंड। और फाइनल में अगर पूछा जा सकता है इंग्लैंड ने फाइनल में किसको हराया, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूजीलैंड। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि किसने जीता खिताब, तो आपका आंसर इंग्लैंड होना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14, कौन व्यक्ति हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है कलराज मिश्रा। तो मैंने इनका फोटो भी दिया हुआ है, तो आप हम ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए कलराज मिश्रा। और आपको बता दूं, ये इस बार NTPC के क्वेश्चंस में, NTPC पेपर में आपसे कोई ना कोई एक राज्यपाल का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा, बिल्कुल आना ही आना है इस बार। क्वेश्चन संख्या 14, BCCI ने हाल ही में किसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ को हाल ही में BCCI ने क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, और इनका नाम राहुल द्रविड़ है, तो आप ध्यान रखना राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 16,
कौन भारतीय हाल ही में विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ बनी है? तो इनका नाम है अंशुला कांत, और अंशुला कांत को विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ बनाया गया है। तो इनको 12 जुलाई 2019 को नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखना, अंशुला कांत हैं और इनको विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 17। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किन दो खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये दो हो सकते हैं, एक रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस प्लेयर है, और स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेटर है, जो एक ओपनर है स्मृति मंधाना, और ये रोहन बोपन्ना जो एक टेनिस प्लेयर है। तो आपसे इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये भी पूछा सकता है खेल मंत्री का किरण रिजिजू, और ये भी पूछ सकते हैं अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया दो खिलाड़ियों को। तो रोहन बोपन्ना और स्मृति मंधाना, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो शायद हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। क्वेश्चन 18। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? अनुसुईया उइके और विश्वभूषण हरिचंदन, ये दो हैं, अनुसुईया उइके और विश्वभूषण हरिचंदन। इन दोनों को रामनाथ कोविंद ने हाल ही में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखना, जो एनटीपीसी का जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है उसमें एक न एक राज्यपाल तो जरूर पूछा ही जाएगा, एक न एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो आप ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के लिए अनुसुईया उइके और आंध्र प्रदेश के लिए विश्वभूषण हरिचंदन को चुना गया है। क्वेश्चन 19। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वरूप दत्त का निधन हुआ है, वह थे। तो ये एक पूछा जा सकता क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वरूप दत्त का निधन हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए स्वरूप दत्त, और ये मशहूर बंगाली एक्टर थे, और इनका हाल ही में जुलाई 17 को इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन 20। हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय बने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए सचिन तेंदुलकर, जो कि एक तरीके से क्रिकेट के फादर है पूरे। और तो आप मान सकते हो जो जो आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय सचिन तेंदुलकर है, तो आपका आंसर सचिन तेंदुलकर होना चाहिए। ठीक है ना, और इनको आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम का एक अवार्ड दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें।